उर्वरक के लाइसेंस नहीं होने पर पैक्स अध्यक्ष है परेशान। जिला अररिया प्रखंड भरगामा ग्राम पंचायत रास सिरसिया कला के पैक्स अध्यक्ष शंकर यादव ने हमारे संवाददाता रिजवान आलम नूरी को क्या कुछ बताया है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी यंग न्यूज। मैं रिजवान आलम नूरी, आज मैं मौजूद हूं अररिया जिला के भरगामा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज सिरसिया कला में। आइए जानते हैं यहां के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष शंकर यादव से इनके पैक्स की समस्या। महोदय, कानूनी यंग न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। बोलिए महोदय, आपके नजर पे पैक्स संचालित करते हुए सबसे बड़ी समस्या के रूप में क्या कुछ दिख रहा है? दिख रहा है क्या सर? सौ समय जो है धान खरीदारी करते हैं जी, किसान का पैसा देते हैं, सौ समय चावल हम लोग को नहीं पहुँच पाते, चावल नहीं पहुंच पाता है। एसटीआर वहां जिला से जो बन के नहीं आता है, लेट हो जाती है कम से कम। और अभी तीसरा जो चावल दिया है अभी 15 रोज हो गया एसटीआर को, अभी तक नहीं बना है। गोदाम जो है फूल है, गोदाम फूल है, यही बोलते हैं। आपके इस पैक्स को सर 200 एमटी के गोदाम है, इससे क्या इस पैक्स की आवश्यकता है? जो धान अधिप्राप्ति करते हैं वो पूरी हो रही सर? नहीं, पूरी नहीं हो रही, गोदाम चाहिए। इस पैक्स को कम से कम कितने एमटी का गोदाम चाहिए सर? 500 एमटी का। महोदय, इस पैक्स को हरित कृषि यंत्र के रूप में कुछ उपलब्ध हुआ? नहीं, अभी तक नहीं उपलब्ध। विशेषकर आप किसान के अध्यक्ष हैं और किसान को अभी खेती के इस कार्यकाल में, इस सीजन में सर उर्वरक चाहिए, तो उर्वरक के क्षेत्र में आप लोगों को लाइसेंस ही नहीं दे रही है सरकार, तो क्या कुछ कहना है यहाँ के किसानों का आपके प्रति? किसानों तो हम लोग को बहुत तबाह कर रहे हैं कि आप लोग बनाए हैं पैक्स, चेयरमैन खाद नहीं लाते हैं। हम लोग खाद के लिए जिला भी आवेदन दिए, एक बार पूर्णिया टाउन हॉल में हम लोग बैठे हैं, लेसे सिंह भी बैठे, वहाँ प्रस्ताव दिए रामचंद्र बहुत है, और तो क्या करते हैं वो अध्यक्ष जी। अच्छा, आपके हीरा सिंह जी। हीरा भी बहुत है जी, जी। मुद्दा पर रामचंद्र बाबू ने मुद्दा उठाए थे, खाद बहुत जरूरी है किसान को, तो उसमें लेसे सिंह बोले कि हम लोग करवा देंगे, अभी तक करवा ही रहे हैं। अपने क्षेत्र के, अपने आसपास के जिले से लेसी सिंह हैं और पूरे बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, उनको तो इस क्षेत्र अररिया पूर्णिया किशनगंज कटिहार या कह लीजिए कोसी जोन के लिए विशेष दया दृष्टि करनी चाहिए थी। तस्लीम बाबू के बाद स्थान उन्हीं का हम लोग देते थे जी, कम से कम हम लोग सब बोले चेयरमैन की आप हम लोग को जो किसान से कम से कम अच्छी कर दीजिए, किसान को खाद मिले सब समय, हम लोग भी आशा से हमको बनाए हैं तो हम लोग भी कम से कम खाद उन लोग को दे। अब तो आश्वासन दिया जा रहा है कि सर केमिस्ट्री ऑनर्स वाली जो बात थी वो पैक्स अध्यक्ष से हटा लिया गया है, अब उनको पुनः जो है उर्वरक का लाइसेंस बगैर किसी डिग्री के मिलेगा। महोदय, जबकि लाइसेंस दे रही है सरकार पैक्स को दे रही है, ना कि व्यक्ति विशेष को, शंकर यादव को नहीं दे रहा बल्कि सिरसिया कला पैक्स को देगा, तो इसमें पैक्स एक निर्जीव वस्तु है, उनके पास केमिस्ट्री ऑनर्स की डिग्री कहाँ से आएगी? कहीं न कहीं ये चिंतनीय विषय है महोदय। क्या सर? ठीक है, जनवितरण का। हाँ, उसी को पीडीएस बोला जाता है। जनवितरण का तो कितनी जनता को लाभ मिल पा रहा है आपके यहाँ से राशन उठाओ का? राशन लमसम जो है 350 कार्ड, 350 लोगों को संतुष्टि पूर्वक राशन दे रहे हैं सर, यही जनसेवा आपका हो रहा है, लेकिन आपका जो जनसेवा है वो है उर्वरक देना। हो जाए ना तो बहुत अच्छी बात है सर। आपसे जो धान लेते हैं, जो मिलर जैसे सुरेश श्रीवास्तव का नाम लिया आपने, सिरसिया हनुमानगंज के पैक्स अध्यक्ष भी है और मिलर भी है, तो उनके यहाँ धान देने में क्या कुछ कठिनाई आती है? हालांकि मिलर जो बहुत अच्छा है जी, मिलर जो है हमको जो लगातार 3 साल से देते हैं जी, तो अच्छा काम बेचारा अच्छा करता है, इसमें जितना सहयोग की भावना अच्छा रहता है। महोदय, और कुछ संदेश यहाँ की जनता के लिए जिन्होंने पैक्स अध्यक्ष के रूप में लाया और उनकी सेवा में आप तत्पर नहीं हो पा रहे हैं, इनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए यही कहेंगे सरकार कम से कम जो है खाद की व्यवस्था कर दे, हम लोग को किसान को खाद मिले, इससे हम बहुत खुश रहेंगे। धन्यवाद। अभी आप रूबरू हुए जिला अररिया प्रखंड भरगामा के ग्राम पंचायत सिरसिया कला के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष शंकर यादव से, जिन्होंने अपने विचार से कानूनी यंग न्यूज चैनल को अवगत कराया। देखते रहे कानून।